और सजनों ये जो आज का कार्यक्रम है, कल तो हम थोड़ा सा चूक गए थे, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है जो आप पूरी रात से देख रहे हैं, ये कार्यक्रम दो दिन के बाद यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए नाम है मैजिक जिंदगी। मैजिक जिंदगी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये कार्यक्रम आपको मिल जाएगा जो आज का कार्यक्रम है। और कुछ दिन पहले जो पिलाना के अंदर बाबा छोटूनाथ जी महाराज के मंदिर पे जो कार्यक्रम हुआ था, वो भी इसी चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप सभी देखिए और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हाँ कहिए। देखिए, हाँ मुझे पता है कि आप मुसलमानों में नौकरी करते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं भी आपको जाने से मना नहीं करूंगी। हाँ आप जाइए। हाँ लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगिए। देखिए महाराज। हाँ जो पतिवर्ता स्त्री होती है, जो पतिवर्ता स्त्री होती है, उसका धर्म होता है, उसका धर्म होता है कि वो अपने पति के दर्शन करके और फिर भोजन किया करती है। जी तो आप चले जाओगे दरबार में। हाँ आप मुझे ऐसी वस्तु देकर के जाइए ताकि उसके जरिए मैं भोजन। देखिए महारानी, दरबार से बाहर जाता हूँ तो हमेशा महल के अंदर मेरी तस्वीर, मेरी फोटो लगी रहती है। जी बिल्कुल। फोटो से यदि आपका दिल नहीं मानता है तो मैं तेरे को वो अहम निशानी देकर के जाता हूँ जो हमारी रजपूतों की आन बान शान है, जिसके साथ मैं तुमने फेरे लिए थे। अच्छा ये लीजिए, ये लीजिए मेरी कटार। कटार? जी हाँ। इसका क्या करूंगी महाराज मैं? आकर तेल लगा के भीतर धरले सर को नीला कर। और कटार के साथ में जोड़ा होता है घंटे का, पटके का। पटके का तो ये लीजिए मेरा पटका, इस कटार के साथ में ये जोड़ा होता है। इसका क्या करूंगी? यो ना वो इतने पग बांधा बैठी रहे महाराज। कटार का मतलब होता है कि मैं चला जाऊंगा और तुम यहाँ महल में रहोगी। जी कोई दुष्ट कोई पापी आपको गए नजर से देखे जी, तो ये कटार मार करके उसे भस्म कर देना, खत्म कर देना। हाँ। बाकी अपने पतिवर्त धर्म की हानि मत होने देना। क्यों? क्यों? कि पतिवर्त धर्म के अंदर वो शक्ति है, हमारे प्रमाण गवाह देते हैं कि जिस पतिवर्त धर्म के सामने साक्षात यमराज भी कंपायमान होते हैं। ठीक है महाराज। हाँ आप अपना ध्यान रखना। बिल्कुल। और जाते ही चिट्ठी पत्री गेट देना। बिल्कुल, जाते जाते ही पत्र लिख दूंगा मैं, आपके पास में आ जाएगा। तू तो हलवा हाथ दिया खड़ी रही है। ईश्वर का ध्यान और दरबार में मिल गया वो शेर खान पठान। सजना एक रोज हुआ लेट, पृथ्वी सिंह एक रोज हुआ लेट, छतरी के तन में पसीने छूट रहे, और इधर शेर खान बड़ा हर्षित था, मन में खुशी के लड्डू फूट रहे। भाई शेर खान नमस्कार, राम राम। मुकलवा कर ले फिर राम को नहीं छोड़ के। कैसी बातें करता है यार, राम को कैसे छोड़ देंगे, ये तो हमारा धर्म है। पार्थ सिंह जी भाई, आप अपना मुकलवा कर रहे हैं? बिल्कुल कर ले। रानी भी ठीक आई? बहुत बढ़िया रानी आई है। और दान दहेज भी ठीक? दान दहेज भी बहुत दिया भाई, कबल बना हुई। हाँ रानी कैसी कही? रानी, रानी की क्या तारीफ करूं, क्या वर्णन करूं उस रानी का, उस पार ब्रह्म परमात्मा ने, उस बहे माता ने बड़ी फुर्सत के अंदर बनाया। जल वो जा आशिक कतल
हुए चली हुई थी। शाह और क्या पीरो कदा सबकी आंखें हुसन से लड़ी हुई थी। आपने तो बहुत भारी प्रशंसा कर दी, मतलब बहुत प्रशंसा कर दी। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ पृथ्वी सिंह, हाँ ठीक टाइम पे आ गए, ये मेरे से मत पूछ, तो अपना रजिस्टर खोल उसमें देख ले। पृथ्वी सिंह, हाँ मैं तेरी तरफ का रजिस्टर हर बात देखता रहता। तो फिर तू ये बता दे, एक रोज लाइट है, सिर्फ एक रोज, और मैंने 20 दिन होना था। भाई शेर खान, हम दोनों बराबर के आदमी हैं, मैं छुट्टी जाता हूँ मेरी जगह काम तय करता है, और तू छुट्टी जाता है तेरी जगह काम मैं करता हूँ। आज मैं एक रोज लेट हो गया, कल से दो दिन तेरे घर पे विश्राम कर लेना। पार्थी सिंह, हाँ मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातें है पसंद करना नहीं चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? एक रोज लेट होने का कारण क्या है? लेट होने का कारण ये है कि मेरे घर पे जो महारानी आई है वो पतिव्रता है, सत्य धर्म को जानने वाली है, और उस पतिव्रता स्त्री के प्यार में प्रेम में एक रोज और लग गया, मैं आ नहीं सका। पार्थ सिंह, क्या यहाँ तक स्त्री के प्यार और प्रेम हुकूमत को भी भूल गया? नहीं भूलता, तुम आता ही नहीं। अरे तो ड्यूटी 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 किसे कहते हैं? ड्यूटी उसे कहते हैं जो टाइम पर निभा दे। तू टाइम पे आ गया? नहीं, मैं खुद इस बात की हाँ कर रहा हूँ, हम ही भर रहा हूँ कि मैं एक रोज लेट हूँ। तो लेट का कारण बता दिया, पतिव्रता। जी हाँ, तेरे को यह तो मालूम है पतिव्रता किसे कहते हैं? बिल्कुल, पतिव्रता उस स्त्री को कहेंगे जो जन्म लेकर के मृत्यु तक पूरे जीवन में एक पति की दास होती है, पर पुरुष का गैर मर्द का अपने पल्लू से पल्लू टच नहीं होने देती, सपने में भी गैर मर्द की छाया तक अपने शरीर पर नहीं पड़ने देती, वो पतिव्रता कहलाती है। पार्थ सिंह जी, तू तेरे शहर से कितनी दूरी पर ब्याह है? लगभग 300 मील की दूरी पे ब्याह हूँ। 300 मील दूरी को ब्याह है, पतिव्रता बढ़ाता तेरे को शर्म नहीं आती है? क्यों दिक्कत क्या है? 300 मील दूरी को ब्याह है, हाँ गाड़ी में बैठा होगा, जी टांगा में बैठा होगा, मोटर में बैठा होगा, भीड़ चली होगी, हाँ दूसरे पुरुष का पल्ला तो क्या पूरा जिस्म अड़ा होगा। एक मिनट, मैं तो 300 मील की दूरी के ऊपर ब्याह हूँ, लेकिन तू कहाँ ब्याह है? अरे मैं तो मेरा चाचा की लड़की को ब्याह हूँ, एक दरवाजे को छोड़कर दूसरे दरवाजे में। अरे उठती को देखो, बैठते को देखो, खाते को देखे, हमारे मुसलमानों पतिव्रता होती है। शेर खान, पतिव्रता सभी धर्मों में होती है, हिंदुओं में सिर्फ पिट भरता होती। नहीं, हिंदुओं में पिट भरता नहीं, पतिव्रता होती। अरे हमारी बीवी पुरखा उठ करके चलती है, दूसरे पुरुष को पांच आंगली नहीं दिखाती है, और तुम्हारे हिंदुओं में ढाई ढाई किलो राबड़ी पी के और बार ने खाट डाल के सोचेंगी जंगल चल रहा है। देखिए शेर खान भाई, बात सुन, ये अपने अपने धर्म की अपने अपने दिन की भाषाएं होती है, और तूने कहा हिंदुओं में पतिव्रता, भैया मेरी नजर में हिंदुओं में भी पतिव्रता है, मुसलमानों में पतिव्रता है, सिखों में, ईसाइयों में, सभी में पतिव्रता होती है। पतिव्रता महल में भी हो सकती है, और सजनों जरूरी नहीं है कि राजा की रानी पतिव्रता हो, एक गलियारे के अंदर रहने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले इंसान की ओर भी पतिव्रता हो सकती है। तुम्हारे हिंदुओं में तो सिर्फ पतिव्रता होती है। मैं पतिव्रता बता रहा हूँ, और तूने कहा कि हिंदुओं में पतिव्रता, अरे हिंदुओं में तो इतनी पतिव्रता हो गई, इतनी पतिव्रता हो गई, जिनका आज तेरे पर नाम गिनाना शुरू करूंगा तेरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन हिंदुओं की पतिव्रताओं के नाम पूरे नहीं होंगे।
अरे हमारी बीवी अटारी के अंदर रहती है फिर? और तुम्हारे? हाँ। अरे पाला काटती है, खेत में जाती है, लावणी काटती है और ऊपर ऊंट को ऊपर बैठ जाती है। क्या दिक्कत है शेर खान? बात सुनिए, बताता हूँ तेरे को हमारे हिंदुओं में कितनी पतिव्रता हो गई। या अल्लाह, मेरे को तो नहीं दिखा। हाँ, तेरे को देखने का मौका मिलेगा जब ना। बात सुन, कि मेरे साथ असनाई का, ये सुनने की बात, मेरी साथ असनाई का मत करिए जिक्र कति भाई, और तेरे सामने कह दो जो सत्यों के हुए पति भाई। सर्वप्रथम सृष्टि रची जब पहली पतिव्रता कौन हुई? सभ्य मुनि ते जोट मिला के, सभ्य मुनि ते जोट मिला के वह शत्रुपा परणाई गई। फिर मनु महाराज की कन्या मुनि करदम जी के ब्याही गई। उस करदम महाराज के हुई नौ कन्या, सबकी ऋषियों के साथ सगाई गई। अनसुईया अत्रि ऋषि ने दी, कलावती मरीचि ऋषि के गल खदाई गई। श्रद्धा दई अंगीरा ने, श्रद्धा दई अंगीरा ने वशिष्ठ के अरुदती भाई, और तेरे सामने कह दो जो सत्यों के हुए पति भाई। और सुन, एका कुंती बहुत बड़ी पतिव्रता हुई। एका कुंती पतिव्रता वीर रुचि मुनि के बाएं अंग रही, दक्ष भूप की प्रसुप्ति पर प्रेम पति से दंग रही। हरिश्चंद्र से देवकला, ये हरिश्चंद्र और मदनावत अलग है, हरिश्चंद्र देवकला अलग है। हरिश्चंद्र से देवकला आकाश भवन में गंग रही, और अभ्युप्यु नाम ऋषि की कन्या पुलस्त मुनि के संग रही। इड़विड़ा और केक्सी विश्वासर महारथी भाई, तेरे सामने कह दियो जो सतियों के हुए पति भाई। और सुनो, श्री अति की सुता सुकन्या, श्री अति की सुता सुकन्या चमन ऋषि की नारी बनी, विद्यावली नाम की रानी बलि की किस्मतगार बनी। 108 बार शिव की रानी पार्वती हर बार बनी, और दुष्यंत महाराज से ब्याह करवा के वह शकुंतला होशियार बनी। कामदेव के ब्याही रति बहुत बड़ी पतिव्रता थी रति भी। कामदेव के ब्याही रति मधुदक्ष के मालवती भाई, और तेरे सामने कहते जो सत्यों के हुए पति भाई। और सुन, मदनावत हरिश्चंद्र ने ब्याही, मदनावत हरिश्चंद्र ने ब्याही दमयंती राजा नल के, ब्याही आदित्य कश्यप के, शुद्ध बावन भूप गए वाल के, कौशल्या के कई सुमित्रा दशरथ घर आई चल के, और मंदोदरी रावण ने ब्याई ऋषियों ने गल में कहे चंद्रलाल। क्या कहे चंद्रलाल? हुए वीर के त्यागी एक विषम जन्म जति भाई, और तेरे सामने कह दो जो सत्यों के हुए पति भाई। कितनी बताऊं? पार्थ सिंह। हाँ, ये तेरे को क्या नाम गिनाए हैं? अरे तुम्हारे तो नाव में भी टेस्ट नहीं है यार। आकुती जूती नपूती सपूती कपूती, क्या नाम है यार? अरे ये हमारे धर्म के नाम है औरतों के। अरे हमारे मुसलमानों में पतिव्रता हुई है। कौन? अरे सबसे सच्ची पतिव्रता हुई है बीबी फातिमा। देश का कर दिया फातिमा। अरे नूरो झूरो रहमतुली मजीदन खजीदन असैना सकीना जरीना सचीला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सतियों के नाम बता रहा तेरे गलियारी की लड़कियों के नाम है। अरे सभी पतिव्रता है। शेर खान पार्थ सिंह। क्या? एक रोज लेता है। हाँ? रानी की ओट लेता है जी। इस बात को मैं हरगिज नहीं मानूंगा। मैं मान तो मत मान। क्या तिरानी पतिव्रता होगी? लेकिन आप तिरानी पतिव्रता नहीं है, मैं इस बात की अजमाइश करना चाहूँ। अरे तो एक पठान होकर के, मुसलमान होकर के, और हमारी हिंदू की छत्राणी की परीक्षा कर ले तू कल। जगरानी के दरबार में एक हिंदू का लौंडा होकर के शेर खान की कृपा पकड़ा, अल्लाह के कसम से मार मार तुम्हें छात्र कटार दिन से मैं तेरे अंदर डाल दूंगा। अरे पुष्पा से सलामत इसे पकड़, मेरे को छोड़। अरे पृथ्वी सिंह यार, तू समझदार आदमी। बादशाह सलामत। अरे शेर खान नहीं, समझा दीजिए इसको। इसने एक बार तो कह दिया, यदि दोबारा कह देगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा मुसलमानों के बीच में दिल्ली में खड़ा हूँ, गर्दन उड़ा दूंगा इसकी। अरे चुप रहो तुम दोनों। ऐसी मार मार दूंगा छात्र, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करा, ये छात्र खून नहीं लिख रहा, ये कटार दिखती है। अरे पार्थ सिंह, अरे कटार कटार नहीं, तेरे भीतर पड़ जाऊंगा, छह महीने नहीं करूंगा। अरे चुप रहो, किस बात का झगड़ा तुम्हारा? मैं बताता हूँ झगड़ा किस बात का है। आपने मेरे को छह महीने की छुट्टी
मांगने पर आपने 14 दिन की छुट्टी दी थी। फिर क्या हो गया? मैं एक रोज लेट हो गया। इसने कहा लेट होने का कारण क्या है, तो मैंने कहा मेरी ओर पतिव्रता है। पता इसने क्या कहा? इसने कहा कि हिंदुओं में पतिव्रता होती नहीं। क्या ये सच्चा है? एक रोज लेट आया रानी के ओट लेता है, अपने मुसलमानों में पतिव्रता होती है। अरे आप शेर खान, अरे तू इतना बड़ा फैसला होकर के ऐसी छोटी छोटी बातें करता है। अरे पतिव्रता किसी भी महज में किसी भी धर्म में हो सकती है, झोपड़ी में हो सकती है, महल में हो सकती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति में हो सकती है। ये भी कोई झगड़ा करने की बात है? सलामत, एक हिंदू के लौंडे की बढ़ाई कर रहा हूँ, इसका मतलब भी कोई हिंदू के बीच है। शेर खान उल्टा लटका तुम्हें बकवास करता है। क्या मैं इस बात की अजमाइश करना? अरे तो फिर वही बात, अजमाइश। अरे तू समझदार आदमी है। अरे नहीं नहीं बादशाह सलामत, ये बार बार कहता है मेरा खून गलता, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा अभी। अरे मेरा हथियार उठ गया तो खून खच्चर कर दूंगा मैं। अरे नहीं यार पृथ्वी सिंह, तू समझदार आदमी है, तू मेरी रानी की अजमाइश करेगा? अजमाइश मेरी छत्रानी की अजमाइश करेगा तू? छत्रानी सलामत, इजाजत देता हूँ, करो आप मेरी रानी की परीक्षा, राजमाओ मेरी रानी का शक, लेकिन इस भरे दरबार के अंदर लिखमत होगी और लिखमत इसके हाथ से होगी। बोल, चल शेर खान लिखमत करो। अरे ये नहीं, मैं देता हूँ लिखमत के लिए, काफी जाना जी। ये छोटी पर्ची देगा उसमें शायद भूल जाएंगे हम, इस पे लिखवाओ। चल रहे शेर खान लिख, टाइम निकाल अपना। इस टाइम पर मेरा पैन ज्यादा शाही छोड़ रहा है। अच्छा चलने पकड़, और शर्त लगाऊंगा मैं, ऐसी शर्त लगा दूंगा कि इसकी सातवीं में कोई दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाएगा। चल लिख, लिखो, यदि पृथ्वी सिंह की रानी किरणमयी पतिव्रता नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, तो पृथ्वी सिंह को भरे दरबार में फांसी। अरे पृथ्वी सिंह, ये भी कोई यही शर्त लगाऊंगा, तो जान जान की बाजी होगी। नहीं, मुझे मेरी रानी पर पूरा विश्वास है, और हमारी छत्रानी कभी भी प्राण त्याग सकती है, लेकिन कभी भी अपने धर्म से पैर नहीं हटा सकती। यदि मेरी रानी पतिव्रता नहीं हुई तो पृथ्वी सिंह को भरे दरबार में फांसी, गढ़बूंदी का राज, और वो रानी किरणमयी शेर खान को मिलेगी। लिखो, ठीक दस्तक शेर खान। अरे कौन, अभी दस्तक नहीं करने हैं, और लिखो, यदि वो रानी पतिव्रता हुई हुई तो आपको फांसी, आपको फांसी। अच्छा, यदि वो रानी पतिव्रता हुई तो शेर खान को भरे दरबार में फांसी, शेर खान की बीवी और इसकी नवाबी फांसी को मिलेगी। अब कर साइन। मेरे सजनों, लड़ाई के कारण तीन लड़ाई के कारण सिर्फ तीन जर जोरू और जमीन। एक औरत के कारण दोनों सेनापतियों की मौत और जिंदगी की बाजी लग गई, दरबार में दस्तक हो गए। अब शेर खान बादशाह अकबर से छुट्टी लेना चाहता है और दिल्ली से बूंदीगढ़ जाकर के उस छत्रानी का धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, बादशाह से छुट्टी लेता है। सलामत बोलिए शेर खान, छुट्टी होनी चाहिए। कितने रोज की? 20 साल की। छुट्टी क्यों? तेरे को रिटायरमेंट ही दे देता हूँ। ये बहुत संगीन काम है। अरे 20-20 साल की छुट्टियाँ होती है क्या? तो बादशाह सलामत 20 साल में करेगा ये काम? बहुत कड़ा काम है। अच्छा, अल्लाह की कसम, तो एक दिन जाने का, एक दिन ठहरने का, एक दिन शत तोड़ने का। अच्छा, तेरा मतलब है कि तू 3 रोज में और उस महारानी का शत तोड़ देगा? 3 रोज में तो मैं हिंदुस्तान का शत तोड़ दूं। अच्छा, आज से पहले भी तोड़ा तने किसी का शत? खूब। किसका तोड़ा? मेरी माँ का। वो कब? मैं पैदा हुआ जब। अच्छा ठीक है, तुम्हें 3 रोज नहीं, मैं तेरे को 7 रोज की छुट्टी देता हूँ। 7 रोज में मैं सोजे इटली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, थाईलैंड के सबका सब तोड़ दूंगा। अच्छा, और क्या? मेरे को तो छुट्टी देनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें तेरे को 7 रोज की छुट्टी देता हूँ। लो, बादशाह अकबर ने 7 रोज की छुट्टी दे दी और शेर खान दिल्ली से चल करके बूंदीगढ़ भी आ गया। एक रोज सारा व्यतीत हो गया, लेकिन एक रोज में उस छत्रानी से मिलना, उसका धर्म भ्रष्ट करना तो बहुत दूर की बात। शेर खान को एक दिन में तो यह भी मालूम नहीं हुआ कि उस रानी का महल कौन सा है।
घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए दो नंबर का रास्ता निकालता है। क्या कुछ करता है सुनिए बताते हैं। या अल्लाह, मैंने तो इन हिंदू से बहुत भारी मुकाबला ले लिया है, मेरे को तो रानी किरण भाई के दरवाजे तक का मालूम नहीं है। चला उन तूती के पास में चलेंगे और उनसे पैसे दे करके काम कराएंगे। हेलो हेलो, ये मोहला किनका है भाई? ये मोहला ब्राह्मणों का। अरे ब्राह्मणों का मोहला में कितनी बांस आ रही है, कितने सेंटर डॉक्टर बच्चा लगा रखी है हमने। अच्छा, दांत धोल मचा रखा है। अच्छा, ये किनका मोहला भाई? बाल मुके का। बाल मुके के मोहला में कितनी खुशबू आ रही, कितने काक उठ रहे हैं, तेरे नशे का स्वाद खराब हो रहा है। ये कितने गिंडक बैठे हैं इंतजार। ये मोहला किनका? ये मोहल्ला दूतियों का। दूतियों का, दूतियों का? हाँ। एक चुट्टी निकालो। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कही जनाब, कौन हो आप और किस लिए तशरीफ लेकर आए हो? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, शेर खान। अच्छा, मेरा नाम है अकबर का शड़ा हूँ। अच्छा, और हिंदुस्तान के अंदर हाँ जितने भी कारोबार है, हाँ जितने भी मिक्स एरिया है, जितने भी बाजार है, जितने भी यातायात है, जितने वाहियान है, अच्छा, ये सब हमारी है। जितने भी पेट्रोल पंप है, जितने भी टाकीज है, हाँ ये सब हमारे। आप काम क्या करते हैं? मैं तो बाजार में पॉलिथीन छुपता हूँ। आपका कोई पर्सनल काम? पर्सनल काम हाटा का ठेका रखा। अरे इतना कारोबार मेरे है, मेरे को काम कर भूगो, मैं तो बैठ करके ऑफिस में फाइल चेक करूंगा। आपको मेरे से क्या काम है? क्या जानती है? मैं दिन को रात बना सकती हूँ, आकाश पर पेटी लगा सकती हूँ, रावण से भी बेहतर है, और समुद्र में आग लगा सकती हूँ, लादेन से भी बेहतर है, आपको पेट्रोल से बुझा सकता हूँ, लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बना सकती हूँ। ये काम आपने गलत सीख रखा है। क्यों क्यों किसी लड़का को बेचारे को लड़की बना? आपको क्या काम चाहिए? काम हाँ, तो मेरे को रानी किरण भाई के महल में फिट कर दो। आके मत बोलना, वो बड़ी पति उसका नाम लेने से ये धरती कंपायमान हो जाती है। चाची चाची, मेरा यो काम बना के अल्लाह मियां तेरा भला करे। मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? तेरा पैर तो बड़ा बड़ा ने पकड़ा, मेरी औकात क्या? देखिए चाची, काम बड़ा संगीन आपका, बहुत से पैसे खर्च हो जाएंगे इसमें। अल्लाह, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाओ काम बना। देखिए 50,000 रुपए लग जाएंगे। चाची तुम तो मठ मार दिया। क्यों? अरे 50,000 क्या मांगा थे बहन से? 14,000 रुपए लग गया। पागल, बहुत कम हो गई है तो कम हो गए कम। हाँ मैं चाची इतने पैसे दे दूंगा जहाँ गिनती खत्म हो जाए। और देखिए, हमारे काम करने का एक वसूल है, आधा पेमेंट हम पहले लेते हैं, आधा काम बढ़ जाने के बाद में लेते हैं। नहीं, ये तो मेरे भी समझ में आ गई मेरी चाची, आधा तो तेरे को भी दे दूंगा और आधा काम बढ़ जाएगा जब दे दूंगा, न तेरे जोर पड़ेगा न मेरे पड़ेगा। और देखिए, मैं यहाँ से जाऊंगी तो मेरी घर की ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको। ड्यूटी का बड़ा पाबंद हूँ। हाँ, अगर चाची तेरे घर से सुई भी चली गई तो मेरी चाची को मुसल दे दूंगा। तो ठीक है, मैं जाती हूँ और आप यहीं पे रहना और मेरे उस्तादों का ख्याल रखना। भाई मैं तो उस्तादों का दिन का ख्याल रखूंगा, रात का तो मेरे बस की नहीं है। आप सभी ने दो दिन से बड़े प्यार से कार्यक्रम सुना और वह इतना प्यार दिया कि दिल गदगद है। एक मिनट अभी कमेटी ने भी सम्मान किया। ये कमेटी भी आपकी है, मंदिर भी आपका है, गांव भी आपका है और हम भी आपके हैं। और आपने जो प्यार दिया, दुलार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और सजनों,
जब भी आप इस छोटी सी पार्टी को सबसे हल्के सांगी को, यानी आज हरियाणा में जितने भी सांगी हैं सबसे छोटा और सबसे हल्का मैं ही हूं, जब आप कभी भी याद करोगे तो मोदा मोदा आपकी सेवा में आऊंगा और आपकी सेवा बजाऊंगा सबसे नया। और कमेटी के द्वारा मेरा और मेरे बेटे इस बबलू राणा का सम्मान आपने किया, और साथ में ही मेरी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं जो मेरी पंख हैं, इन पंखों के सहारे मैं उड़ता हूं, आप सभी ने, कमेटी ने, गांव वालों ने इन मेरे साथियों का सम्मान किया, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वह दुत्ती 50,000 रुपए के लालच में आ जाती है और पृथ्वी सिंह की बुआ बनकर के उस महारानी के पास में जाती है रंग महल के अंदर, और उस भोली भाई लड़की के साथ में धोखा करती है, उस एक सती लड़की के साथ में बड़ा छल करती है, और किस प्रकार उस रानी को दाग लगाती है, सुनिए एक हत्यारी दुत्ती की कारस्तानी। दरवाजा खोलिए जी, आप कौन हैं? मैं पृथ्वी सिंह की बुआ। पृथ्वी सिंह की बुआ, देखिए मेरे पति ने बताया था कि हमारे परिवार में कोई बुआ फूफी कोई भी रिश्तेदारी नहीं है। नहीं, आप कहाँ से हो? देखो मेरी बचपन में बहुत दूर शादी हो गई थी, इस कारण मैं मुगलों के अंदर आ नहीं पाई, कुछ दिनों से अनबन भी चल रही थी मेरी और पृथ्वी सिंह की। और एक बात बताइए, आप कहाँ पर गई हो? मेरी शादी हो गई थी जोधपुर। वाह, झूठ बोल लग रही, कल तो दादरी माम देखी कुछ का खा पानी। देखिए बुआ जी, हाँ मैं आपको जानती नहीं थी लेकिन आप मेरी पति की बुआ है। हाँ। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। सीढ़ी हो सपोती हो बोर्ड सुहागण हो। मिलकर बड़ी खुशी होती है इंसान को। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पति दिल्ली दरबार में नौकरी करते हैं। हाँ, तो मैं आपकी खातिरदारी कर देती हूँ, खाने पीने का प्रबंध करती हूँ। ठीक है, सुनिए। बहुत अच्छे बेटे, मेरे सिरों झुक जाओ। हर पाया पड़ू बोली तेरे आने पे बोले खुशी हुआ मन मेरा, ओ सीढ़ी सपूती बहु सुहागण, ओ जीवा कमाऊ तेरा, मैं पाया पड़ू तेरे आने पे ये खुशी। Yeah, I'm a man.
इसी रागनी में दोनों बच्चों का 600 रुपए से हौसला अफजाई करते हैं और धन्यवाद आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। बिल्कुल सुनिए, हाँ कहिए नंबर आखिरी की बात। मोहब्बत का जख्मी मानस एक घायल बराबर हो से, मेरे पति प्रेम का दीप महल में मेरा लाल बराबर हो से, साले बराबर हो से यो मुश्किल
अरे बहुत अच्छे रेडो शाबाश। देखिए हाँ और बेटी हाँ अब मैं जाना चाहती हूँ। जाना चाहती है बिल्कुल। देखिए आप दो चार रोज मेरे पास रुकिए। नहीं नहीं मेरा भी दिल लग जाए। नहीं नहीं मेरे को जरूरी काम याद आ गया। जरूरी काम जाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा हाँ तो आप पहली बार मेरे महल में आई हो मेरे दरबार में आई हो तो आप कुछ मांगिए। देखिए मैं ऐसे नहीं मांगूंगी। तो पहले वचन देने होंगे। वचन? हाँ वचनों का क्या करोगी। देखिए जो कुछ है ये धन दौलत माल खजाना सब आप ही का है। बिल्कुल नहीं वचन भी कर दो मैं कुछ ही नहीं मांगती हूँ। अच्छा देखिए मैं आपको निराश करके नहीं भेज सकती क्योंकि आप पहली बार आई हो। हाँ इसलिए मैं आपको वचन देती हूँ। तल दिल में राख यकीन और जो मांगोगी वही मिलेगा। वचन देती हूँ एक दो तीन। तो ठीक है हाँ। मेरे को पृथ्वी सिंह की फेटा और कटार चाहिए। फेटा और कटार? बिल्कुल। देखिए भाजी हाँ आप मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? मैं वो आपको नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि जब मेरे पति दिल्ली दरबार में गए थे तो जाते समय उन्होंने मुझे निशानी देकर के गए थे और मैं उनके दर्शन करके और फिर भोजन किया करती हूँ। देखिए मेरे को वही चाहिए। वो अगर दे सकती हूँ तो दे वरना मैं खाली हाथ ही चली जाती हूँ। और आने दे पृथ्वी सिंह को सारी बातें बताऊंगी। हरामजादी क्या दे सकती है तेरे पास कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही जाती हूँ फिर कोई बात नहीं है। फेरी भाजी क्योंकि गृहस्थी आदमी का ये धर्म नहीं होता है उसके दरबार से ही क्योंकि जितना धर्म गृहस्थी का वो सभी निभाना चाहिए। गऊ ब्राह्मण ने भोजन देकर खुद पाछे खाना चाहिए और अपनी कमाई का दसवां हिस्सा सदा धर्म में लाना चाहिए और कोई भी अपने दर से मंगता भिखारी ना खाली जाना चाहिए। आप आराम कीजिए मैं पहले स्नान करके आऊंगी और फिर आपको फेटा कटार दूंगी। ठीक है उस रानी की शक्ति भाई देखी न किसान वो दुती थी पूरी बेईमान। रानी की बाई जान पे देख लिया भाई जो था दिल का निशान। ले बेटी टॉर्च टॉर्च। बुआजी हाँ आपने मुझे नग्न अवस्था में देखकर अच्छा नहीं किया है। तो सांप का सांप लड़े के जहर छोटे से। कोई बात नहीं है मेरे को फटा और कटार दे दीजिए। ठीक है आप जाइए और मैं जल्दी वापिस हाँ कर दूंगी इसे। और इस कटार पर मेरे पति का नाम लिखा हुआ है। ठीक है पृथ्वी सिंह राजपूत हाड़ा गोत्र का राजपूत। बिल्कुल और जल्दी पहुंचा देना। ठीक है दूती जहाँ पर वो था शेर खान गद्दार। बेटे शेर खान। ओहो चाची। हाँ बेटे आ गई। आ गई नहीं आ गई हूँ। तो को काम बना नहीं बना? काम तो नहीं बढ़िया। ओ चाची मर गया तेरे नन्ने बेटे तेरे नन्ने पोते। मेरे क्यों मरे? मरे तेरे चाची मेरे मर गए तो तेरे ही मर गए। पागल तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी चाची जाती है तो खाली नहीं आती है। नहीं ये तो मेरे को मालूम था मेरी चाची फुल आएगी। ये देखिए पृथ्वी सिंह की फेटा और कटार। चाची हाँ इस मुकदमे में मेरी हार है। क्यों? क्यों मैं पृथ्वी सिंह का नाम जानता हूँ। अच्छा और किसी दुकान से फेटा और कटार खरीद लूं किसी सोनी से ये नाम खुदवा लूं तो इस मुकदमे में मेरी हार है। अभी मेरा आधा पेमेंट भी तो उधार है। तुम्हारे लिए डैम्फर तैयार है। पागल डैम्फर का मैं क्या करूँगी? रोडों का काम चल रहा है बहुत जबरदस्त। आपको अहम निशानी बताती हूँ जो रानी किरणमयी है। रानी किरणमयी है उसकी बाई जांग पे। उसकी बाई जांग पे गोटे से चार आंगल ऊपर। गोटे से चार आंगल ऊपर एक तिल का निशान है। तिल का निशान? हाँ कितना बड़ा है? बाजरे के दाने के समान। बस पागल तिल तो इतने होता है। तुमने क्या सोचा? मैं तो सोचा कोई पिप्पा का मान होगा। नहीं नहीं तिल तो इतना ही होता है। अच्छा हाँ चाची
क्या मेरे को 20 रुपये दे 20 रुपये। अभी थोड़ी देर पहले तो आप प्रॉपर्टी डीलर बन रही थी। मैंने खर्चा बहुत उठा दिया, मेरा परमिट खराब। कोई बात नहीं, उस्ताजों के पास में जाती हूँ मैं। ठीक है चाची, एक काम करना चाची, जो तेरा आधा पेमेंट है मैं तेरे को फोन कर दूंगा। अच्छा, और तू शुगर चली आना, आ रही तो वरना मैं वो पे कर दू फोन पे। फोन पे ठीक है। अस्सलामुअलैकुम बादशाह सलामत। वालेकुम सलाम शेर खान, आ गए? आ गया। अच्छा, विधायक तो उस महारानी का सत्य। अरे वाह शेर खान, फिर तो तुमने मुसलमानों का बड़ा नाम कर दिया। क्या पूछो मियाँ, खुशी के लड्डू से फूके हैं। अच्छा, किरण वही के मैलू मैंने खूब मजे लूटे हैं। वाह, एक पिलंग पे बैठ बैठ मन चा के कप घूटे हैं। सर किरण वही की शान का के सब फूकू। कितनी खूबसूरत है किरण वही। वो हिंदुओं में वो रानी किरण वही पैदा हुई, उस टाइम पर और लड़कियां पैदा नहीं हुई। मैं क्या प्रशंसा करूं बादशाह सलामत, ध्यान करिए। बताओ। और आप भी ध्यान करिए। करे थे सिंहार, सिंगार करा मेरे देख के सैनम कविता सुनियो। करे थी सिंगार नार हार गलमेदार, भर मांग को सुधार बाहर छज्जे पे खड़ी। बाहर छज्जे पे खड़ी, देश देख सुख जाती सच्ची, गोल कपोल भ्रगुटी खची रची, अध्रुप लाली एक पुत्री है काली, मसियाली गाली चाली थाली बिदना ने गड़ी। बाहर छज्जे पर खड़ी, बहारे दरग चित्त मनी सी, सुरपुर में छुप रही उर्वशी उर्वशी हसी हसी मंद मंद आनंद कंद चंद मुख बंद अरविंद गंद पुष्प की हड़ी। बाहर छज्जे पर खड़ी, वाह भाई वाह। केस बालों की क्या प्रशंसा करो, कैसे छिपब है से कवि छवि कह सकते कैसे, जैसे जैसे, जैसे? खिल रही धूप रूप अनूप भूप, देखो बेकूप चूप दर्शन में चली। बाहर छज्जे पर खड़ी, अरे बाप ऐसे जब दे जा बाप नहीं देते, कहते कुंदन लाल हाल नंद लाल ताल चाल सुर साज की जड़ी। सलामत मृग ने नीति के बैनी पैनी धार कहूँ या आशी कहूँ, हुआ चंबा क्या जगदम्बा या रंबा उर्वशी कहूँ। अरे बस बड़ा तेने तो मुसलमानों का अपना नाम कर दिया। वाह, अभी बुलाता हूँ पृथ्वी सिंह। हुजूर दरबार में उपस्थित हो जाओ। मतलब? मतलब के शेर खान तुम्हारी बुंदी में जाकर क्या? शेर खान आ गया। शेर खान आ गए आप? क्यों नहीं गए थे बुंदीगढ़? मिले मेरी रानी से? बोल। बादशाह सलामत झूठ बोलता है। हम कैसे मान ले झूठ? हम साबित करेंगे इसकी झूठ। शेर खान बोल, मैंने मान लिया तू मेरे महल में गया था, लेकिन इस सारे दरबार के सामने, इस भरी महफिल के सामने मेरे को एक बात बता दे कि मेरी रानी किरणमयी के जो महल का दरवाजा है वो कौन सी दिशा में है? तेरा महल का दरवाजा गली की तरफ है। गली में तो सबके दरवाजे होते हैं, दिशा पूछ रहा हूँ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन सी दिशा में है? मैं रात की गाड़ी से गया था, रात की गाड़ी से वापस आ गया, मेरे को दिशा विशा कोई ध्यान नहीं रहा, मैं ऐसी गाड़ी में गया था। कोई बात नहीं, ठीक है। बादशाह सलामत आपके सामने दस्तखत हो रही, लिखमत हो रही, बिल्कुल हमारी जान जान की बाजी लगी हुई है, और ये मेरे महल में गया था तो अपनी जान बचाने के चक्कर में कोई सबूत भी लाया होगा। बिल्कुल। क्या सबूत है इसके पास? बगैर सबूत कोई मुकदमा नहीं चलता। शेर खान क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम बुंदीगढ़ गए थे? बादशाह सलामत ये पृथ्वी सिंह का फैटा और कटार देखिए, है या नहीं है? अरे वाह पृथ्वी सिंह, ये देखिए तुम्हारी कटार,
और ये कटार पे तो तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। बादशाह सलामत, इस कटार को देखता हूँ, फेंटे को देखता हूँ, तो वास्तव में ही ऐसा लगता है जैसे मेरा है। लगता है? जी हाँ। है नहीं? मान लूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये बुंदेलखंड के कटार मशहूर हैं, और ये अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी कारीगर को, सुनार को, लोहार को 10-20 रुपए दे दे, इस कटार पे मेरा नाम लिखवा दे, तो क्या कटार मेरी हो गई? ठीक बात है, तो ये चलने वाली बात नहीं। यही बात इस फेंटे पर लागू है। ये बाजार में बिकने वाला सामान है, और बाजार में बिकने वाले बाजारों सामान को यदि आप सच्चा सबूत मान करके अपने सेनापति को फांसी देने के लिए देना चाहते हैं, तो फांसी लेने के लिए भी मैं तैयार हूँ। ये फैसला आपके कदमों में। मिस्टर सेठान, आपने जो सबूत पेश किए हैं वो कोई ठोस सबूत नहीं है। ये तो बाजार में बिकने वाला सामान है, और ये जान जान की बाजी का मामला है। हम नहीं मानेंगे इन सबूतों को। तो शेर खान को फांसी? जी हाँ, फांसी अभी तुझे। बादशाह सलामत, बोलिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान को नहीं पहचानता है, असल और नकल को? ये तो बाजार बिकने वाला सामान है। जी हाँ, बाजार का सामान है। लेकिन जो तेरी रानी है किरण, हाँ मेरी रानी है किरण भाई, उसकी बाई जान के ऊपर, घोड़े से चार आंगन ऊपर एक दिल का निशान है, वो किस मिस्त्री को फिट किया है या नहीं? ये पार गया है या नहीं है? ये बार वो किस मिस्त्री को फिट किया है? अरे पृथु सिंह, अरे तुम तो बड़े बहादुर आदमी हो यार, उठो उठो पृथु सिंह। Yeah।
ये तटार भी मेरी है और ये फंटा भी मेरा है। और जिस औरत को मैं पतिव्रता बता रहा था, पतिव्रता नहीं है, हत्यारी है, व्यभिचारिणी है, कुल को कलंकित करने वाली है। और शेर खान छत्री का बेटा हूं, अपने प्रण से हटूंगा नहीं। कहते हैं कि छत्री होते पक्के प्रण के, जो कह दे वो ये कर्या करे, और लाभ रहो चाहे हानि हो, रजपूत बात है मैं कर्या करे। शेर खान धन्यवाद देता हूं तेरे को, जो तूने आज मुझे अंधेरे से निकाल करके रोशनी मिला दिया। भागने वाला नहीं हूँ, छोड़ दे जंजीर, कहीं नहीं जाऊंगा, दरबार के अंदर रहूंगा मैं। आज इस टाइम पर हमारे म्यूजियम है, बिल्कुल ये। और लोगों, बड़े विद्वानों ने कहा है कि नार नहीं नौरंगी है, नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है, और ढके तो सब कुल को ढकले, वरना नंगी की नहीं है। सिर्फ आपने यहीं तक सुना होगा, आगे सुनिए। पहला चार रामायण का दिया है कि चंद्रवती रघु की पुत्री, चंद्रवती रघु की पुत्री मर्याद धर्म की तोड़ गई, सुखों में दिन विद्या करते कर दुखों में खोड़ गई, उस तेजस्वी राजा रघु की किस्मत खुद की ही बेटी ने फोड़ गई, और कंवारी ने बेटा जन के बाप की खो मरोड़। मात पिता की भी आप तार ले, इसी जात बेढंगी है, और ढके तो सब कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। नंबर दो, वो बहानमती, वो बहानमती रानी छोटी सी बात पहाड़ से भारी कर बैठी, ब्याहे पति से बैर करे और गैर सयारी कर बैठी, अरे तोड़ गई मर्याद धर्म की बात छुपके जारी कर बैठी, अंग के साजी राजा भोज ते अपनी काया न्यारी कर बैठी। पिंगला भी ना समझ सकी, वो पिंगला भी ना समझ सकी, कित राजा कित एक संगी है, और ढके तो सब गुड़ को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। नंबर तीन, रावण की भाण सुरपन खा, वो रावण की भाण सुरपन खा, जो हया का पर्दा ठा बैठी, जति पुरुष के धोरे जाके अपना मान घटा बैठी। लोगो, शर्म नहीं आई उस नकटी में, जो कुंभ में नाक कटा बैठी, और लंका का उद्यान किया भाई का वंश मिटा बैठी। इसी नार किसी के घर में आ जा तो समझ लो अन्न और वस्त्र की भी तंगी है, ढके तो सब कुड़ को ढकले, वरना नंगी की नंगी। नंबर चार, हंसने की हो बुरी सासत इनकी, हंसने की हो बुरी सासत इनकी, सब लोग बताते हमें से खतरनाक मोहब्बत इनकी, सब लोग बताते हमें से कलयुग के अंदर शासक इनकी, सब लोग बताते हमें से, और घनी बात के कहे नथु राज कलयुग में इन्हीं के शीश कलंगी है, और ढके तो सब कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। रामायण की जो तो नहीं है यहाँ, ये फौजी मेहर सिंह कमेटी रानी लाल से इसी रागनी पे 100वें सम्मान करते हैं, और ये 100वें श्रीमान ये थानेदार साहब श्रीमान ओम प्रकाशी वो भी अपनी तरफ से 100वें सम्मान करते हैं, और ये 100वें आपने दिए थे ना अभी रागनी जी, एक सदन ने और दिए थे, हाँ ये श्रीमान गिरवर सिंह जी, उन्होंने भी अपनी तरफ से इसी रागनी पे 100वें सम्मान किया है। आप सभी सदनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बादशाह सलामत। एक मिनट भी जीना नहीं चाहता इस धोखे के संसार में, फांसी लगाइए। देखिए पृथ्वी सिंह जी, फंटा और कटार को हमने सबूत नहीं माना, लेकिन इस शेर खान ने वो अहम सबूत पेश किए हैं, जो राज सिर्फ पति पत्नी के बीच में होता है, इसलिए इस
मुकदमे में तुम्हारी हार है जी, और फैसले के मुताबिक तुम्हें फांसी होगी जी। फांसी होगी, फांसी के लिए तैयार हूँ। फांसी टूटने वाले मुलजिम के लिए हम यही दाई देते हैं कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। सलामत, जब इसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हो तो इसकी दूसरी शादी कर दो। अच्छा, तो पृथ्वी सिंह तुम्हें किसी से मिलने की, कुछ खाने की पीने की कोई इच्छा हो तो आप बता सकते हैं, हमारी पूरी हमदर्दी आपके साथ। सलामत, मुझे कोई इच्छा नहीं है। फिर भी पृथ्वी सिंह, ना खाने की, ना पीने की, ना किसी से मिलने की, आखिरी इच्छा तुम्हारी बिल्कुल पूरी की जाएगी। बादशाह सलामत, यदि आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं बिल्कुल, तो हम क्षत्रिय, हम राजपूत, हम हिंदू जन्म देने वाली माँ को और अपनी मातृभूमि को बराबर का दर्जा देते हैं, और मैं फांसी से पहले, मरने से पहले सिर्फ एक बार मेरी उस मातृभूमि, मेरी वो जन्मभूमि बुंदीगढ़ के दर्शन करना चाहता हूँ, यदि आप मुझे छोड़ दें। मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बादशाह सलामत, फांसी टूटने वाले मुलजिम के लिए जब हिदायत दी जाती है, जो उसका कोई गारंटर हो, जो उसका कोई जमानती हो, फांसी टूटने के लिए कौन आएगा? ठीक बात है। देखिए पृथ्वी सिंह जी, हम आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हैं और आपको बुंदीगढ़ जाने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ इस दरबार में, इस सभा में आपका कोई जमानती होना चाहिए। नहीं, बस सलामत, मैं ये फांसी का मामला है, मौत का मामला है, और मैं मेरे किस भाई से कह दूं, किस चाचा ताऊ से कह दूं कि आप मेरी जगह इस फांसी के फंदे में आ जाओ, कह सकता? कोई बात नहीं, हम पूछ लेते हैं। भाई सेट डाउन हो गए। भाई पृथ्वी सिंह को बुंदीगढ़ जाने के लिए छोड़ दूं, ऊपर हाथ करो, कौन जमानत कौन ले है? वाह वाह, बादशाह सलामत, अब मुझे मरने का कोई गम नहीं है। क्यों? कि आपने मेरे लिए एक आदमी की जमानत मांगी थी बिल्कुल, और सारे दरबार के अंदर हाथ खड़े हैं, ये सारे हिंदू भाई, सारे मुस्लिम भाई, सारे सिख, सारे ईसाई मेरी जमानत लेने के लिए तैयार है। आप चाहे जिसकी जमानत मंजूर कर सकते हैं। मैं इनकी सबकी जमानत खारिज करता हूँ। क्यों, क्या बात है? अरे ये बीपीएल के आदमी है, 2 रुपए किलो का गेहूं खा रहे, चयनित में हिंद का नाम। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं? सभी बीपीएल के नहीं है। महाराज गजेंद्र सिंह जो हमारे सामने बैठे हैं बीकानेर से, रियासत से, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं और आपकी जमानत मंजूर करते हैं। छत्रो, उसी दरबार के अंदर बीकानेर का राजा गजेंद्र सिंह बैठा था, और गजेंद्र सिंह उठ करके आता और बादशाह अकबर के सामने बड़े रोब और रुबाब से कहता है कि बादशाह अकबर, छोड़ दे इस बच्चे को, जाने दे, और वापस नहीं आएगा तो इसकी जगह फांसी मैं ले लूंगा। शेर खान को तो कोई नहीं, को रोड़ा अटक ही जाता है। छजनो, पृथ्वी सिंह आजाद होता है, टूटे हुए दिल से अपने घोड़े पर सवार होता है, बूंदीगढ़ में आता है, और बूंदीगढ़ में आकर के महल का दरवाजा खटखटाता है। रानी किरणमयी दरवाजे की आवाज सुनती है, ऊपर से अटारी खोलती है, नीचे देखती है, पृथ्वी सिंह खड़ा है। रानी ने अपने पति के दर्शन किए, बड़ी खुश हो गई, ऐसी खिल गई वो रानी, जैसे बुझते हुए दीवे के अंदर घी डाल दिया जाता है, जैसे सुबह सुबह सूरजमुखी खिल जाता है, वो रानी हर्षित हो जाती है, पुलकित तो हो जाती है, अपने कमरे में जाती है, हार श्रृंगार बनाती है, दीपक जलाती है, थाल सजाती है, और दरवाजे पर आकर के अपने प्राणनाथ, अपने प्राण पति का आरती करना चाहती है। हेलो, लेकिन मेहरबानो, उस पापी शेर खान ने, उस दुष्ट शेर खान ने पति और पत्नी के बीच में जहर घोल दिया था, दोनों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। होना कुछ और था, हो कुछ और जाता है, देखिए क्या कुछ होता है, सुनिए। आज मेरे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि महाराज मुझे 6 महीने का वादा देकर के गए थे, लेकिन मुझसे मिलने बहुत जल्दी आ रहे हैं, और चल करके उनका आरती करना चाहिए, क्योंकि जो देश के लिए सुरक्षा करते हैं, देश के लिए बलिदान देते हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, चलना चाहिए, टोटी पर आरती करना चाहिए। वो सुनी पति की वार्ता, किरणमयी झटपट चली कोई करण पति का आरता। महाराज आरता लीजिए, आज बड़े दिनों के बाद में आए हो, आरता लीजिए महाराज। अरे पापा, किसका आरता कर रही है तू, दफा कर ले।
तुम्हारी शक्ल को मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अरे पापन हत्यारी दोस्त, तेरे जैसी औरत को संसार में पैदा होने से पहले मरना मर जाना चाहिए था। महाराज आप किसी बातें कर रहे हैं, मैं और पापन। जी हाँ, तू पापन हत्यारी है महाराज, और अपनी शक्ल को दफा कर ले। अरे तेरी शान देखना का धर्म नहीं औरत के ऊपर हाथ उठाने का। मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी शेर का नहीं। यदि ज्यादा बातें करेगी तो मैं अपनी मर्यादा को भूल जाऊंगा। अरे मैं उसका आर्ता क्यों करूंगी महाराज, वो मेरा क्या लगता है जो मैं उसका आर्ता करूंगी। गज कीड़ी का मेल खड़ा दुनिया सारी जाने से, रामावतार जी अपनी तरफ से सब शुरू के शुभ सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी भाई की साले शेर खान को नहीं जानती, मन मेरी चूड़िया की सौगंध मैं किसी शेर खान को नहीं जानती, मन मेरी गौ माई की सौगंध। शर्म गंगे माता नाम लेती है, गऊ का नाम लेती है। अरे गऊ तो हमारी माँ है, जिसके शरीर में 33 कोटि देवता वास करते हैं, और तेरे जैसी गद्दी औरत के मुख से इस गऊ का नाम भी अच्छा नहीं लगता। क्या कर रही थी कि मैं पतिव्रता हूँ, तू कैसी पतिव्रता है तेरे को खुद को भी नहीं मालूम। मैं बताता हूँ तू कैसी है, तेरे वर्गी पीरा फिर जगत खाम खाम मरता, तेरे वर्गी पीरा का जो भेष।
अवतार जी रानीला से शौर्य और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आप मुझ पे झूठा दोष लगा रहे हैं, मुझ पे झूठा कलंक लगा रहे हैं। महाराज आप मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं जानती। कोई भी चोर चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। महाराज मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी कैसे यकीन कर लो, तेरा सारे हिंदुस्तान को मालूम हो गया कि तू कैसी और मैं क्या हूँ। जिस दिन तेरा मुकलावा करके लाया था, मैं सोच रहा था जीवन साथी मिल गया, अब आराम से जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, लेकिन क्या पता था कि मैं अपनी मौत को अपने सर पे धर करके ला रहा हूँ। ये तेरे मगरमच्छ आंसू देखने के लिए नहीं आया, मैं तेरे से मिलने के लिए नहीं आया, मैं अपनी मातृभूमि के दर्शन करने के लिए आया था और वो मैंने कर लिए। मेरा रास्ता छोड़ दे, चढ़ने दे मेरे को। यदि मैं टाइम पर दिल्ली नहीं गया तो मेरी जगह वो निर्दोष गजेश सिंह मारा जाए। नहीं महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरा रास्ता छोड़ दे, जाने दे मेरे को, दूर हट यहाँ से। दूर हट यहाँ से। नहीं महाराज, मेरे साँच बता भरतार आज क्यों, मेरे साँच बता भरतार आज क्यों, हो यो मन में रे पर भरणी
धर्म आज तक पतिव्रता का घट गया। दबा लगे महाराज, और आप यही झूठा दोष कलंक लगा रहे हैं महाराज। मैं कलंक लगा रहा हूँ क्या कहने तो आती है। श्रीमान रोशन लाल जी जयश्री से 50-50 रुपए से सम्मान करते हैं, और ये श्रीमान रामावतार जी भी अपनी तरफ से 100-100 रुपए से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आप कुल कलंक नहीं, लेकिन महाराज मैंने इसे कोई भी कुल के दाग नहीं लगाया है। मैं तो तेरे पास एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता।
गिरेगा। मेरा तो भला होना था या बुरा होना था हो चुका। कुछ पल का मेहमान हुई संसार के अंदर बोला था। वैसे मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं एक पल भी लेट हो गया तो मेरी जगह वो गजेंद्र सिंह मारा जाएगा, लेकिन अभी तूने एक बहुत गहरा शब्द बोल दिया तो मेरी छाती में आर पार हो गया। ये बोल मेरी छाती में पार हो गया। तूने अभी कहा कि मैं छत्राणी हूं। अरे बेशरम, छत्राणी कौन होती है? छत्राणियों का क्या धर्म होता है? छत्राणियों ने अपने धर्म के लिए, अपने सत के लिए, अपनी आन बान शान के लिए कुर्बानी दे दी, जो हर कर दिया उन्होंने। महाराज मैं तो आपका आर्ता उतारना चाहती थी। आर्ता उतारना चाहती थी मेरा ये बच्चा है, उधम बच्चा है, न धर्म बच्चा है, काम रचा मैं ढंग का। गुस्से में भरिया दोष सा जहरिया तो करिया जिक्र कुसंग का। Yeah.
तेरी पट्टी जान कसूर की रघुर सुंदर ली ओ त्यारी कर ली ओ भरली मांग सिंदूर की धूप मकाया लोग धूप मकाया कुल सुख पाया अरे लेके छाया खजूर की करना सजनों उस रोती विलखती रानी को महल में छोड़ करके पृथ्वी सिंह बिल्ली चला जाता है और जाकर के गजेश सिंह को आजाद करवा देता है और आप अपनी जगह पर रेस्ट हो जाता है। इधर वो महारानी किरणमयी अपने पति को जाते हुए देख रही थी, महल के दरवाजे में आकर के खड़ी हो गई, एक एक हार श्रृंगार उतार उतार करके गिरा दिए और दरवाजे के अंदर बुत बन करके खड़ी हो गई। रानी की आंखों में आंसू चल रहे थे, एक नजर देख रही थी, उसी समय कुछ कबूतरी नटनियां वो होती हैं जो बांस पर चढ़ करके खेल दिखाया करती। वो कबूतरी नटनियां महल के सामने से जा रही थी, रानी अपने महल से चल करके नटनियों के पास में जाती है, नटनियों से मुलाकात करती है और नटनियों से मुलाकात होने पर उस रानी को एक आशा की किरण नजर आती है। सुनिए क्या कुछ होता है, बताते हैं आपको।